हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वन रियल नंबर पार्ट फोर। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक, क्या प्रूव करना है कि रूट फाइव जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इससे फर्स्ट पहली वीडियो में, जिसमें यहां पर फाइव की जगह क्या था आपका टू। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, अब हमको जो प्रूफ करना है वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था जो मुझे प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि रूट फाइव जो है वो आपका रेशनल है। लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी that root 5 is a rational number. ठीक है, हमने इसका अपोजिट लेट कर लिया। जब ये रेशनल है तो यहां पर दो नंबर एग्जिट करेंगे, देन देयर एग्जिट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सच दैट, देखो दो पॉजिटिव इंटीजर आपके यहां पर लाइक करेंगे, जैसे उस किस तरह से रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्योंकि जब ये रेशनल नंबर हमने लैड कर लिया तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहां पर क्या वेयर A एंड B आर को प्राइम, यहां पर A और B क्या है को प्राइम। को प्राइम मतलब HCF ऑफ A B, HCF ऑफ A B 1। ठीक है, यहां स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर किया आपने। ठीक है, यह आ गया आपका फाइव, और इधर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, फाइव मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, देखो ये फाइव मल्टीप्लाई में है, अब हम इसको इधर लाते हैं तो ये डिवाइड में आएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फाइव डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, और हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, जब कोई प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब फाइव डिवाइड करेगा ए को भी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम एक नंबर लेट कर लेते हैं, लेट ये जो ए है ये तभी डिविजिबल होगा जब इसके फैक्टर में फाइव होगा। ठीक है, तो 5c हमने एक इस तरह से एक नंबर ऐड कर लिया यहां पर। ठीक है, अब स्क्वायर कर दीजिए इसमें दोनों साइड, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर। ठीक है, और जो कि क्या होगा ये 25c स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है इसको पुट करेंगे यहां पर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, तो यहां पुट कर लीजिए, 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से 5 से इसको डिवाइड कर दिए 25 को, तो 5 5 जो 25, ये आ गया आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि b को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, ऑल्सो 5 डिवाइड करेगा किसको, b को, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड दैट ए एंड बी हैव एटलीस्ट फाइव एज ए कॉमन फैक्टर। तो दोनों इक्वेशन से फर्स्ट 5 जो है ए का भी फैक्टर है और यहाँ 5 बी का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट और सेकंड से कि मुझे पता लग गया कि 5 जो है ये कॉमन फैक्टर है ए और बी का। ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट, अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने स्टडी में लेट कर लिया था कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या आ गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, ये स्टडी में हमने लेट किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना था मुझे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अगर वो √2 बोलता है, √3 बोलता है, √5 बोलता है या √7, आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही रखना है, मेथड जो है आपका ये रहेगा। ठीक है, बस चेंज कर देना है, यहाँ पर 5 की जगह 2 कर दो और 3 कर दो और 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है कि ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने देखो पीछे प्रूफ किया था कि √5 इज इरेशनल नंबर, है ना, वो थ्योरम थी, उस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, √2, √3, √5 ये क्या है, आपके थ्योरम है। ठीक है, और जहाँ पर आपको इनके साथ कोई और डिजिट दिख जाए तो ये क्या कहलाते हैं, इनके एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमको क्या है, क्वेश्चन जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो उनका यूज़ करेंगे। ठीक, वो कैसे, देखिए तो इसको सबसे पहले हम क्या लेट कर लें, ये रेशनल है, लेट 3 + √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने इसको रेशनल लेट कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तब यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर आपको एग्जिट करेंगे ए और बी, क्योंकि हमने रेशनल माना है, तो इसका मतलब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ पर बी नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन रखना है। ठीक है, बी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, हमेशा आपको एक साइड क्या कर लेना है,
रूट टू हो तो रूट टू को कर लो, रूट थ्री है रूट थ्री को, रूट फाइव है रूट फाइव, मतलब इरेशनल नंबर एक साइड होना चाहिए और रेशनल नंबर दूसरी साइड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको करना क्या है कि रेशनल नंबर तो एक साइड कर लो और इरेशनल नंबर को दूसरी साइड कर लो, ठीक है। तो देखो मैं इस इरेशनल नंबर को यहीं रहने देता हूँ, बाकी इरेशनल नंबर को इधर ले आता हूँ। तो सबसे पहले थ्री इधर आएगा आपका, टू रूट फाइव इक्वस टू ए अपॉन बी, थ्री को इधर लाइए, माइनस में हो गया, ठीक, ये प्लस में था ना इसलिए ये माइनस में, टू रूट फाइव, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ए माइनस थ्री बी ओवर बी, ठीक है। अब ये टू देखो मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, तो रूट फाइव इक्वस टू ए माइनस थ्री बी ओवर टू बी, ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये केवल आपका इरेशनल नंबर है और इसको चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ए और बी तो आपके इंटीजर है, इंटीजर्स में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और इंटीजर को ही डिवाइड कर दो इंटीजर से, तो आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा आपका, इंटीजर मतलब रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आपने क्या किया, इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया और फिर इंटीजर से डिवाइड कर दिया, तो हमेशा क्या आएगा आंसर आपका, रेशनल, ये नंबर आपका क्या होगा, रेशनल। लेकिन यहाँ ये इक्वल दिया हुआ है रूट फाइव के, और जो कि क्या है आपका, इरेशनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया अभी, ठीक है, गलत है ये। तो इसका मतलब हमारा जो एज्यूम क्या था स्टार्टिंग में, रेशनल नंबर, वो गलत था, तो ये क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर। ये चीज़ क्लियर होगी ना आपको। देखिए, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, जब ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब होगा ए माइनस थ्री बी ओवर टू बी विल आल्सो बी रेशनल, ठीक है, हमेशा वो क्या होगा आपका, रेशनल होगा। देयरफॉर रूट फाइव जब ये रेशनल है तो इसके इक्वल जो वैल्यू होगी वो भी आपकी रेशनल होगी, ठीक है, तभी तो इक्वल है ये दोनों, तो रूट फाइव इज रेशनल, ये भी आपका रेशनल हो गया। दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्ट आ गया आपका यहां पर, द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट है, क्योंकि रूट फाइव तो आपका इरेशनल है और रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपने लेट किया था वो आपने गलत लेट किया है। देयरफॉर थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे सोल्व किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि इरेशनल नंबर को हम एक साइड रखते हैं और रेशनल नंबर को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो दूसरी साइड। लास्ट में देखो आपका, या तो अगर यहाँ रूट टू है तो रूट टू बचेगा, रूट थ्री है रूट थ्री बचेगा, यहाँ पर रूट फाइव था तो रूट फाइव इरेशनल नंबर बचेगा, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को आप अगर सब्ट्रैक्ट करें और उनको डिवाइड करें तो रेशनल नंबर ही आएगा हमेशा, ठीक है, और रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्या प्रूव करना है आपको, यहां पर ये सब क्या है आपके, इरेशनल हैं, ठीक है। तो अभी जैसे क्वेश्चन क्या था इसी की तरह करते हैं हम इनको, ठीक है। फर्स्ट देखिए, वन अपॉन रूट टू, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है, वन अपॉन टू इज
रेशनल, अपोजिट लेट करते हैं, ठीक है, इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको हमने रेशनल लेट कर लिया। देन देयर एग्जिट टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी सच दैट, किस तरह से, वन बाई रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी। जब ये रेशनल ऐड करें तो ये ए अपॉन बी के इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है, और यहाँ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन चलेगी आपकी, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई आप। तो जब हम इसको करते हैं, इसको लिखेंगे जब हम रूट टू मल्टीप्लाई ए और ये आपका बी, ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, रूट टू इक्वल्स टू बी अपॉन ए, ठीक है, बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ऐड किए हैं, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ये भी आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ए भी आपका जीरो नहीं होगा। तो देखो इंटीजर से जब आप इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये रेशनल, ये रेशनल हो गया ना, लेकिन आप देखें रेशनल जो है वो रूट टू के इक्वल है, और रूट टू क्या होता है आपका, इरेशनल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम लिखेंगे बी अपॉन ए इज रेशनल, ठीक है, क्यों रेशनल है, एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं ए और बी, ठीक है, देयर फोर रूट टू इज रेशनल, ठीक है। अब ये रूट टू रेशनल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन, विच ए कॉन्ट्रडिक्ट क्यों, टू द फैक्ट दैट रूट टू इज एन इरेशनल। रूट टू क्या है आपका, यहां पर इरेशनल है, ठीक है। तो हमारा जो एज्यूम किया था वो क्या है, गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए सो दैट वन बाई रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेवन रूट फाइव, ठीक है, ये है, तो लेट सेवन रूट फाइव इज रेशनल, हम इसको क्या लेट कर रहे हैं, रेशनल नंबर है, ठीक है, देयर फोर इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, सेवन रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और वेयर बी आर सम इंटीजर्स, ठीक है, और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई ना सेवन, इसको यहां डिवाइड में ले आइए, तो रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन फाइव बी, ये सॉरी सेवन,
सेवंथ नाइट, तो सेवन बी आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशनल आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओवर सेवन बी इज रेशनल, क्यों? एज ए, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पर, आर इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर रूट फाइव इज रेशनल। ठीक है, यहाँ क्या होगा, रूट फाइव क्या होगा, रेशनल। और ये क्या होगा, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्ट है। ठीक है, द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, क्यों कॉन्ट्रडिक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रूट फाइव जो है आपका क्या है, वो इरेशनल है। देखो ये रूट फाइव ये इसके इक्वल है ना, हमने ये रेशनल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया आपका। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि रूट फाइव तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो हैंस सेवन रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। सिक्स प्लस रूट टू, ठीक है, तो हम इसको करते हैं, लेट सिक्स प्लस रूट टू बी रेशनल, हमने इसको रेशनल माना। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स ए एंड बी, और यहाँ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सच दैट सिक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू ए ओवर बी। ठीक है, ये रेशनल है और ये रेशनल है, इस रेशनल नंबर को सिक्स को हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस में जाएगा, ये तो प्लस में है, रूट टू इक्वल्स टू ए ओवर बी माइनस सिक्स। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो रूट टू इक्वल्स टू ए ओवर बी माइनस सिक्स बी। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया, इंटीजर आया, और इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका, रेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब रूट टू भी रेशनल होगा, लेकिन ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, रूट टू तो हमारा क्या है, इरेशनल। ठीक है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ए माइनस सिक्स बी ओवर बी इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, ये रेशनल बन गया, इसलिए सो दैट रूट टू, ये रूट टू है ना, शुड बी रेशनल, तो ये क्या होना चाहिए आपका, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, क्योंकि रूट टू तो हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, सो
सिक्स प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? ओके, थैंक यू।